बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आपका रमज़ान का महीना बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज एक दोस्त ने बहुत अच्छी एक बात सेंड की मुझे, तो सोचा आपसे शेयर करूँ। लिखा हुआ था कि एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की दरबार में हाजिर हुए, अल्लाह ताला से हम कलाम होने। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि ए अल्लाह, जो मकाम आपने मुझे बख्शा है आपसे डायरेक्ट बात करने का, क्या ये मकाम किसी और को भी हासिल है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, जो आखिरी उम्मत में भेजूंगा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी, वो उम्मत रमज़ान के महीने में जब रोज़ा रखेगी, उसके होंठ खुश्क होंगे, प्यास लगी हुई होगी, भूख लगी हुई होगी, और वो दस्तरखान पर बैठे मेरा इन हुक्म का इंतज़ार कर रहा होगा। मूसा, जब तुम मुझसे हम कलाम होते हो तो मेरे और तुम्हारे बीच में 70,000 पर्दे होते हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो उम्मती जब उस टाइम पे दस्तरखान पर भूखा प्यासा बैठा मेरे हुक्म का इंतजार कर रहा होगा, उस टाइम पे वो जो मुझसे दुआ मांगेगा, मेरे और उसके बीच में एक पर्दा भी नहीं होगा, और मैंने इसकी जिम्मेदारी अपने जिम्मे ली हुई है कि उस टाइम पे वो जो भी दुआ करेगा मैं उसकी दुआ कबूल करूंगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती को क्या मकाम दिया है, उस पैगंबर की उम्मती को, उस नबी की उम्मती को, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। अल्लाह ताला हमारा रब हमसे कितनी मोहब्बत करता है उस मोहम्मत की वजह से। तो दोस्तों, ये मैसेज शेयर करने का मकसद आपसे ये था कि रमज़ान का महीना है, कोशिश हमारी होनी चाहिए कि इफ्तारी के टाइम हम तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं करें, अपने मसाइल परेशानियों को ख़त्म करने के लिए दुआएं करें, अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करें। क्या पता किस टाइम किसकी दुआ कबूल हो जाए और किसको लग जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें, अच्छी बात को शेयर करना सवाब का काम है, और मेरा भी यही मकसद था कि मैं आपके साथ ये बात शेयर करूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात से मुस्तफ़ीद हों, और रमज़ान के महीने में जो मोहब्बत का इजहार अल्लाह ताला ने हमारे साथ किया हुआ है, उसका हम पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह हम सब मुसलमान जिन जिनको इस बात का इलम होगा या होता जाएगा, हम इंशाल्लाह अपने बाकी रोज़ों में सारी चीज़ों को पूरा पूरा करेंगे, दुआएं मांगेंगे, पूरी उम्मत के लिए दुआएं मांगेंगे। जब आप किसी और के लिए दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्ते अल्लाह ताला के हाँ हाजिर होके ये कहते हैं कि या अल्लाह, तेरे उस बंदे ने किसी और के लिए दुआ मांगी है तो तू उसकी भी दुआ कबूल कर दे। तो अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ मांगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम अगर अपने मुसलमान दोस्तों के लिए दुआएं मांगेंगे, उनकी मगफिरत के लिए दुआएं मांगेंगे, उनकी मसाइल परेशानियों को ख़त्म करने के लिए दुआएं मांगेंगे, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे भी दुआएं कबूल करेगा और हमारे भी मसाइल कबूल ख़त्म करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी बात के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।